जोश और जज्बे से भरपूर स्टार्टअप्स और उनकी कहानियों के साथ मैं हूं श्वेता झा और स्वागत करती हूं आपका हॉर्सेस स्टेबल जो जीता वही सिकंदर प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। सो वेलकम हॉर्सेस, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फुल ऑफ जोश। यहाँ जो भी स्टार्टअप्स वैसे आने वाले हैं ना, वो भी बहुत जोश के साथ आएंगे, इसलिए हमें आज समझना बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो एक एक करके हम पूछेंगे। सबसे पहले मंदार, आप बताइए क्या है आज आपके दिमाग में? दिमाग में तो वही है, एक या दो लोगों को ढूंढे जो कॉन्फिडेंस दिखाए, यहाँ पे आके अपनी कहानी बताए और पैसा लेके जाए। मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप जो आएंगे, अगर उनमें दम होगा तो उनको हम हॉर्स पावर देंगे, और कोशिश हमारी यही है कि उनको आगे की दूर की दौड़ तक उनको आगे लेके जाए। तो हमने जान लिया हॉर्सेस क्या कुछ अपने दिमाग में लेकर के बैठे हुए हैं। बाघ की नजर है, बाज की नजर लेकर के बैठे हुए हैं। तो इंतजार करना होगा, स्टार्टअप्स को हम बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टार्टअप गुरु और मेंटोर उनके पास चलते हैं, डॉक्टर बिंद्रा के पास। डॉक्टर बिंद्रा, ओवर टू यू, और सबसे पहले बताइए कि आपके दिमाग में क्या कुछ कुक हो रहा है आज के लिए? बस सोच रहे हैं कि ये एपिसोड में भी कुछ कामयाबी मिले, पिछले एपिसोड में कुछ कामयाबी मिली, बहुत अच्छा लगा हमें। और आज हमारे साथ कुछ सुपरस्टार हॉर्सेस भी हैं, तो देखते हैं कि कुछ आज मजा आने वाला है, कुछ बढ़िया पकने वाला है। और अब बुलाते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने के लिए, फॉर टॉम को। अभी हम सोलर एनर्जी के विषय में जागरूक हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले एंटरप्रेन्योर जल्दी जाग गए हैं। नमस्कार हॉर्सेस, मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं फोटोम टेक्नोलॉजीज का फाउंडर एंड सीईओ हूं। सो फोटोम टेक्नोलॉजी एक रोबोटिक क्लीनटेक स्टार्टअप है जो हमने 2018 में एस्टेब्लिश किया था। आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्लाइमेट चेंज एंड पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत उभर के आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को एक ऑप्शन की तरह चुना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हम ऐसे एक इश्यू की बात कर रहे हैं जो सोलार फोटोवोल्टिक प्लांट्स में आता है, उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस में क्लीनिंग एक बड़ा एक मेजर पार्ट होता है। और इस समस्या के समाधान के लिए लोग अभी कन्वेंशनल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जैसे पानी का स्प्रे करना और वो सब। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक ड्राई क्लीनिंग सिस्टम बनाया है जो रोबोटिक सिस्टम है, जो बिना पानी के, बिना केमिकल के सोलर पैनल्स का क्लीनिंग करता है। और इसको, इस हमारे रोबोटिक सिस्टम्स को हम लोग एक वेब डैशबोर्ड के माध्यम से कहीं भी ऑफिस में बैठे हुए शेड्यूल कर सकते हैं और साथ में डेटा ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग 200 मेगावाट प्लांट्स को सर्व कर रहे हैं। हमारा लाइफ टाइम रेवेन्यू जो है, दैट इज जस्ट 35 लाख रुपीज़। पिछले ईयर का हमारा जो रेवेन्यू था, दैट वॉज 24.5 लाख रुपीज़ अराउंड। इस साल, इस मंथ तक ऑलरेडी हम लोग 12 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ फंड रेज करने आए हैं हॉर्सेस, एंड आवर आस्क इज 1.2 करोड़ रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी। 35 लाख का आपका रेवेन्यू है, 10 करोड़ की आप कितने की वो वैल्यूएशन, क्यों? लाइक हमारे टाटा टोरेंट के साथ काम करते हैं और मैक्वायर के साथ काम करते हैं, तो हमारा रेवेन्यू अराउंड 1.5 crore इज फॉर श्योर। कितना मुनाफा है उसमें? उसमें सर 55% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो आपको पैसे क्यों चाहिए? सर पैसे हमको चाहिए एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए, एक चाहिए सर हमको R&D करनी है। और भी यहाँ तक जो आपका प्रोडक्ट पहुँचा है उसको बनाने में कितना टाइम लगा है आपको? मैम अराउंड 3 इयर्स। क्या डिफरेंस है आपके प्रोडक्ट में दूसरों से? क्लीनिंग मैकेनिज्म हमारी डिफरेंट है ऑलरेडी। हमारे पास जो हमने यूज करके देखा है, क्लीनिंग 50% एफिशिएंसी लेस आ रही है जो मैनुअल क्लीनिंग के मुकाबले। कोई भी आजकल रोबोटिक्स यूज नहीं कर रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि इस पिच को और बेहतर तरीके से हमें समझने के लिए डॉक्टर बिंद्रा के पास चलना चाहिए। सो डॉक्टर बिंद्रा, प्लीज आइए और जरा समझाइए हमें भी इस पिच को लेकर के, क्या आपकी समझ कहती है। धन्यवाद हिम्मत सिंह, नरेंद्र, बधाई आपको। महसूस कर रहा हूँ कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है सोलर पैनल को साफ करने के लिए, जो आप मशीन बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उसमें। आपको आने वाले समय में कुछ सर्टिफिकेशन ले लेना चाहिए उन कंपनीज और उन लैबोरेटरीज के साथ में जो सोलर पैनल बना रही हैं, ताकि आपको कहीं पे भी उनके वारंटी ब्रेक करने में तकलीफ ना आए। अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाता है आपको क्लीनिंग एज सर्विस का, तो कंटिन्यूस रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। 1.2 करोड़ का आज 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा आपने नहीं मांगा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में नहीं रखी है। आप ऑलरेडी रेवेन्यूज कर रहे हैं, मार्जिनस आपके हैं। मैं 2-3 सुझाव देना चाहूँगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, वैल्यू प्राइसिंग पे काम करिए। तो आप क्या करिए, क्वांटिफाई करके अपनी वैल्यू बताइए कि कॉस्ट सेव पर मेगावाट, कॉस्ट सेव पर मैन पावर, कॉस्ट सेव पर डे, इस तरह से अगर आप ढंग से उसका गणित निकाल के दिखा सकें थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। क्या कभी ग्लोबल लाइसेंसिंग के लिए आपने ट्राई किया है? अगर आप लाइसेंस आउट करें उसके साथ आपको रिकरिंग रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी दिखती हैं। मैं ये भी देखना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आपको R&D में और वर्किंग कैपिटल में कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है पैसे की। वैसे मैं कुछ लाइट थ्रो कर पाया इसके ऊपर,
नाउ ओवर टू यू हॉर्सेस, यथाचिति तथा करू, धन्यवाद। अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, R&D में कितना चाहिए, प्रोडक्ट में कितना चाहिए और सर्विस के लिए कितना चाहिए, वो क्या है कोई आइडिया जी? सो सर, R&D में 30% का हमारा टारगेट है और सेकंड सर बिजनेस एक्सपेंड करने में, सो दैट विल इन्वेस्ट अराउंड 30%। बाकी का 30% कितना? 40% 40% सर प्रोडक्शन में गए वो। और 35 लाख पे आप वैल्यूएशन क्या मांग रहे हैं? 12 ईयर। डोंट यू थिंक द वैल्यूएशन इज वेरी हाई? आई थिंक सर इट्स अ फेयर वैल्यूएशन बिकॉज आई सेड कि हमने ऑलरेडी जो बैकग्राउंड वर्क है वो कर चुके हैं हम लोग। मुझे लग रहा है कि मंदार और ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और वैल्यूएशन का लफड़ा कहीं नजर आ रहा है। आप लोगों को आपस में भी बात करनी हो या फिर डॉक्टर बिंद्रा से कोई सलाह लेनी हो तो यू आर फ्री टू डू दैट। सो वी वुड लाइक टू टॉक टू डॉक्टर बिंद्रा। ठीक है, आपको वक्त दिया जाता है, आप बात उनसे करिए और फिर आइए, जाइए आप मिल के आइए। तो आप लोगों की बात हो गई डॉक्टर बिंद्रा से, तो हिम्मत सिंह जी क्या काउंटर ऑफर देना चाहेंगे आप हमारे हॉर्सेस को? सो एक्चुअली हम लोग सारे हॉर्सेस का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हम लोग एक काउंटर ऑफर हमारा है कि 1.2 CR at 8.5 CR valuation। इसका औचित्य क्या है, मतलब 8.5 कहाँ से टपका 12 से? औचित्य सर जैसे स्टार्टअप गुरु विवेक बिंद्रा जी ने भी बताया कि जो एक ग्रोथ है सेक्टर का भी है सर, और सेकंड जो सर इसके लिए हमारा जो एक रेडीनेस है प्लेटफॉर्म का वो ऐसा है कि हमने ऑलरेडी जो बैकग्राउंड वर्क कर चुका है, इट्स लाइक ए रॉकेट अभी प्रोपल्शन के लिए रेडी है। तो फिर एडवांस पेमेंट लेके कर दो ना सबसे, सोलर पैनल वालों से, हमारी पैसे की जरूरत थी क्या आपको? तो सर मैंने पहले ही बोला कि हम सारे हॉर्सेस का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और एक वैल्यू एडिशन, हम गले मिल लेंगे अभी, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है ना आपको सर, आपकी एक्सपर्टाइज की जरूरत हमको है। मतलब आप हमारा रिस्पेक्ट करते हैं फिर भी हम 4 का डबल करके दे रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, बस आपने वो सही पॉइंट अभी बताया कि आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, एंड इसी चीज पे मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑफर। हम पांचों हॉर्सेस आना चाहेंगे इस डील में, वैल्यूएशन हम 4 करोड़ पर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर आज हम भी पैसा लगा रहे हैं, अपने नेटवर्क्स खोल रहे हैं आप, तो हमारा भी कुछ तो स्किन इन द गेम होना चाहिए। अभी हम देखते हैं आप हमारा रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमारे हॉर्सेस जो हैं वो अपनी बात पे अडग हैं, लेकिन हमारे स्टार्टअप जो है वो भी ऐसा लगता है मूड में नहीं लग रहे हैं। सीधे चलते हैं डॉक्टर बिंद्रा के पास और जानते हैं कि भाई इसका कोई तो हल निकाले। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज अब तेरित होइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हिम्मत जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको सुझाव दिया है और हमारी ये चर्चा थी, आप अपना थोड़ा आस्क कम कर लीजिए और ज़्यादा अमाउंट डाइल्यूट मत करिए यहाँ। आई थिंक यहाँ पे एक हॉर्स ने भी यही बात कही है, इन्वेस्टर ने भी यही बात कही है, एक काउंटर ऑफर मांगिए और प्रयास करिए कि डील बन जाए। डील बनने में वैल्यू क्रिएट होगा, पाँचों हॉर्सेस साथ में आएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और लग रहा है कि वो बहुत ही कम दे रहे हैं, तो फिर आप क्विट कर सकते हैं। सो लुक फॉर अ काउंटर ऑफर और कम अमाउंट डाइल्यूट करिए। धन्यवाद। जो मैंने बोला था आपको, हमारा काउंटर ऑफर को 4 के 19-20 तो हो सकता है, लेकिन कोई 7.5 करोड़ नहीं होगा, ये तो कंफ्यूजन नहीं है। और इतना फर्क है तो यू कैन हैप्पीली डिक्लाइन एंड आई विल विश यू, वी विल ऑल विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो हमारी जो आस्क 1.2 CR की थी, सो दैट वी कैन हैव अराउंड 80 लाख रुपीस एंड वैल्यूएशन जो मैंने 8 CR पे था, 7.5 CR पे, सो वी कैन ब्रिंग दैट टू द 6 CR। देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप वो 1.5% के लिए ना 5 हॉर्सेस को ना छोड़ें। अगर आपको आज 1 या 2 मिल रहे होते मैं फिर भी आपको बोलती, बट 5 हॉर्सेस को एक साथ ना छोड़ें 1-2% के लिए। बट मेरे हिसाब से 6 करोड़ कुछ ज्यादा है 35 लाख में रेवेन्यू। यू वांट टू वेट फॉर 2-3 मंथ्स, प्रूव इट टू अस, कम बैक टू 5 of us कि 35 लाख का मैं जो आप कह रहे हो ऑर्डर है, और अगले सितंबर तक अगर आप 35 लाख कर दोगे, वी विल गिव यू 6 करोड़। मेक सेंस, वी कैन डू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर नहीं किया तो 4 करोड़ वैल्यूएशन। Sure, sir, done. Done? So, सील किया जाए इस डील को? तो अगर 35 लाख आप अगले 6 महीने में एज रेवेन्यू करेंगे तो फिर 6 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगी, वरना वी विल री वैल्यूएट वेदर वी विल गिव यू 4 ऑल्सो और नॉट।
डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू. मैं एक बात बोलता हूँ, चैलेंज दोनों तरफ से होना चाहिए. अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करके 6 करोड़ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी नहीं हुई रेवेन्यू तो वैल्यूएशन हम कम भी करेंगे. Like you said, it really makes sense, yeah. डील होगी, ठीक है, अगर आप रेवेन्यू टारगेट 6 महीने के अंदर अचीव करते हो तो, बराबर है. अगर रेवेन्यू टारगेट आप 6 महीने के अंदर अचीव नहीं करते हो तो ये डील रीनिगोशिएट होगी और 4 करोड़ के नीचे वाले वैल्यूएशन पे क्लोज होगी. तो क्या आप लोगों को ये डील मंजूर है? जी जी सर, कि हम लोग करेंगे और जल्दी करेंगे सितंबर से पहले. तो थैंक यू सो मच. बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए.